थाना गुंजी पिथौरागढ़ द्वारा सूचना दी गई कि कुटी गांव से लगभग 1 किलोमीटर आगे गुंजी की ओर एक वाहन टाटा हैरियर UK08AX8200 पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें चालक सहित 4 लोग सवार थे। संदीप रोहिल्ला उम्र 44 वर्ष, अविनाश कुमार उम्र 44 वर्ष, रंजू उम्र 44 वर्ष, पूजा उम्र 42 वर्ष, सभी हरिद्वार के निवासी हैं। रंजू को पसलियों में चोट है तथा पूजा की कमर पर एवं सर में चोट आई है। शेष को सामान्य चोट आई है। सभी को आर्मी हॉस्पिटल गुंजी लाया गया और बाद में हेली से ऋषिकेश एम्स के लिए रवाना किया गया। घटना लगभग 10:30 बजे की है। रोड से लगा पुल के पास पैराफिट न होने के कारण वाहन वहीं पर लगभग 2 से 3 फीट नीचे चला गया। थाना गुंजी ने बताया कि हेली की व्यवस्था हो गई है, जिस कारण संदीप रोहिल्ला को छोड़ अन्य 3 लोगों को 4:15 पर हेली से गुंजी टेक ऑफ किया। नैनीसैनी पिथौरागढ़ में रिफिलिंग के बाद ऋषिकेश जाएंगे संदीप रोहिल्ला, वे किसी वाहन से जा रहे हैं। 7वीं वाहिनी IDV के कुटी इंचार्ज इंस्पेक्टर राम प्रताप और उनके 9 जवान पुलिस की चौकी इंचार्ज जगत सिंह और ग्रामीणों ने मिलकर इस रेस्क्यू अभियान को सफल बनाया और बीमार व्यक्ति जिसको चोट लग गई थी उसको रेस्क्यू करके ऋषिकेश AMC के लिए रवाना किया गया। डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि पूरी टीम की मदद के लिए वो कहीं ना कहीं TB हॉस्पिटल हरिद्वार के लोग बताए जा रहे हैं। DIG कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत पहुंचे धारचूला। धारचूला में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर चेक पोस्ट का उन्होंने किया निरीक्षण। कुमाऊं के DIG योगेंद्र सिंह धारचूला पहुंचने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर चेक पोस्ट के पहुंचे और निरीक्षण किया। उन्होंने तैनात सुरक्षा एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय झूलापुलों में सघन चेकिंग अभियान चलाने और सीमा पार होने वाली हर गतिविधि में पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीमा पर मानव तस्करी रोकना पहली प्राथमिकता है। इसके बाद DIG और SP गुंजी के लिए रवाना हुए। बृहस्पतिवार को DIG ने कोतवाली धारचूला में नियुक्त पुलिसकर्मियों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने पुलिसकर्मियों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने SSB, IB, स्पेशल ब्यूरो, LIE और विशेष शाखा के अधिकारियों के साथ बैठक कर सीमा पर आने वाली प्रमुख समस्याओं का निराकरण करने को कहा। उन्होंने जनता के साथ समन्वय बनाते हुए सरकार की योजना को धरातल पर सही तरीके से लागू करने, सीमा पर सतर्क दृष्टि रखते हुए अवैध मानव तस्करी सहित संदिग्ध गतिविधियों और तस्करी पर रोक लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान SP रेखा यादव, SDM मंजीत सिंह कोतवाल, कुंवर सिंह रावत, SI प्रदीप यादव, मेघा शर्मा, AC कमांडेंट SSB जुबेर अहमद और यहाँ पर जो धारचूला और इससे जुड़ा हुआ जो पूरा हमारा बॉर्डर एरिया है नेपाल से जुड़ा हुआ, इसके मैं भ्रमण पर यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर मैंने विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों से भी यहाँ पर मीटिंग की है, उनसे फीडबैक लिया है कि यहाँ पर जो समस्याएँ आ रही हैं बॉर्डर पर या कोई इस प्रकार के कोई इशू हैं उन पर भी डिस्कस किया। इसके साथ साथ अभी जो धारचूला के सभी प्रबुद्ध नागरिक हैं और डिफरेंट एसोसिएशन हैं उनसे भी मेरे वार्ता की है, उनके भी जो सुझाव विचार या जो उनका एक ओपिनियन है वो भी यहाँ पर लिया है, ताकि जो हमारे जो एक संवेदनशील एक बॉर्डर क्षेत्र है और काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है, तो इस सब के बारे में ये सब कार्रवाई है। सर आपका हाँ मैं यहाँ से मुख्य उद्देश्य जाने का हाँ यहाँ से जाने का ये भी है कि चूँकि हमारा एक वो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो कि आगे चाइना बॉर्डर से भी हमारा लगता है, वहाँ पर हमारी पुलिस की चेक पोस्ट और पुलिस का थाना भी हमारा जब सिग्नल थाना वो भी वहाँ पर चलता है, तो इन सब का एक तरह से इंस्पेक्शन करने के लिए मैं जाता हूँ। सर रिंग बनने वाली है क्या अभी इसके हमने प्रस्ताव भेजे हैं, अभी तो फिलहाल हमारा वहाँ पर सिग्नल थाना चल रहा है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर इसको रिंग भेजेंगे। नहीं निश्चित रूप से अगर कोई नाबालिग व्यक्ति गाड़ी चला रहा है तो पहले तो गाड़ी चलाने में ही उसको नहीं चलानी चाहिए, और अगर ऐसा किया जा रहा है तो जिस व्यक्ति की वो गाड़ी है और जिसका वो बच्चा है इन दोनों के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जाए। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब DCL न्यूज़।